हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बी सी रन टाइम वन फोर जीरो अंडर स्कोर वन डॉट डी एल एल वॉज मिसिंग या नोट फंड इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाइस यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको मैं सबसे पहले एरर दिखाता हूँ ऐसा ही एरर आपके किस में भी आता होगा जब कभी भी आप कोई भी अप्लीकेशन ऑन करने की कोशिश करते होंगे या नहीं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे लेकिन ये ज्यादा जब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आप ऑन करते हैं उस टाइम पे ये ज्यादा एरर आता है ऐसा ही एरर यदि आपके केस में भी आता होगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन से एरर की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ओपन हो रहा है इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से एरर आ गया ऐसा ही एरर आपके केस में भी आता होगा बी सी रन टाइम वन फोर जीरो अंडर वन फंड या का एरर आता है इस टाइप का कोई भी एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो इस तरह का एरर आपके कंप्यूटर में आता है या लैपटॉप में आता है तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है चले मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है इस लिंक को आप टाइप कर लीजिएगा या नहीं तो ये लिंक आपको फेसबुक यानी तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा यानी तो आप इस लिंक को यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं यानी तो आप फेसबुक यानी तो टेलीग्राम चैनल से इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा अपने ब्राउजर की में पेस्ट कीजिएगा एंटर कीजिएगा तो डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे स्कोर डाउन करना है स्कोर डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एट्टी सिक्स बीट के लिए यहाँ पे सिक्सटी फोर बीट के लिए तो आपके पीसीदी फोर बीट का है तो आपको क्या करना है दोनों को डाउनलोड करना है यानी एट्टी सिक्स को

के आगे क्या है यदि 64 बिट होगा तो आपको दोनों डाउनलोड करना है यदि यहाँ पे 32 बिट होगा तो केवल आपको 86 वाला डाउनलोड करना है मेरे केस में यहाँ पे 64 बिट है इसीलिए मैं क्या करूंगा दोनों को डाउनलोड करूंगा इसके लिए आपको क्या करना है फिर से यहाँ पे आना है यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है सिक्स बिट वाला डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है इसके बाद ओपन न्यू टाइप पे क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो आ जाएगा तो आपको क्या करना है जहाँ पे भी आप इस इसी को सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जाएगा ऐसे ही आपको क्या करना है सिक्सटी फोर बीट का ई एक्सी यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर सेव पे, से पे क्लिक कर दीजिएगा क्लिक करते हैं इस तरह से ये भी डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करना है उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने इसको सेव करके रखा है वहाँ पे आपको इस तरह से दोनों ई दिख जाएगा अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एटी का ई आ गया यहाँ पे सिक्सटी फोर बीट का ई आ गया तो आपको क्या करना है इस ई एक्सी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक है तो आपको क्या करना है इसको टिक मार्क कर देना है इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है है ओके करके बाहर आ जाना है। ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है सेम तरीके से यहाँ पे भी आपके आपको चेक कर लेना है पे भी अनब्लॉक दिखेगा तो इसको टिक मार्क कर करके अप्लाई कर लीजिएगा यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो ओके करके बाहर आ जाना है अब हम इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है इसके बाद आपको रन रान के ऊपर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसको टिक मार्क कर देना है इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद यहाँ यह रुक जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे क्लोज कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे ऐसे ही इस UX को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है राइट क्लिक करके रन आप क्लिक कर दीजिएगा इसके बाद यहाँ पे आपको टिक टिकमा कर देना है इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसको यहाँ से क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है एक बार सिस्टम को जरूर रिस्टार्ट कर लेना यहाँ से आप सिस्टम को जरूर रिस्टार्ट कर लीजिए रिस्टार्ट करने के बाद आप आप चेक कर लीजिएगा आपका जो एरर आ रहा था वो एरर सॉल्व हो जाएगा यानी जो एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे थे उस टाइम पे जो एरर आता था वो एरर आप नहीं आएगा चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन चालू हो चुका है पहले ये चालू नहीं हो रहा था अभी कोई एरर नहीं आया बिना कोई एरर का ये चालू हो चुका है ऐसे ही आपके केस में भी जो भी एप्लीकेशन के अंदर वो एरर आ रहा था वो एरर आना बंद हो जाएगा तो इस तरह से आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं और प्लीज गाए चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे शेयर करे थैंक यू